नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। यूक्रेन और रूस की जंग अब विश्व युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका अब इस वॉर में अप्रत्यक्ष रूप से दखल दे रहा है। दरअसल अमेरिका ने इस जंग को लेकर दो बड़े फैसले किए हैं। पहला ये कि अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। इसके अलावा दूसरा फैसला अमेरिका ने ये लिया है कि उसने मॉस्को में रहने वाले अमेरिकी परिवारों को वहां से निकलने की सलाह दी है। अमेरिका ने ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब रूस ने अपने न्यूक्लियर स्क्वाड को अलर्ट रहने पर कहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मौजूद अमेरिकी दूतावास में ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है और मॉस्को में मौजूद गैर आपातकालीन कर्मचारियों और परिवारों को स्वैच्छिक तौर पर रूस छोड़ने को अधिकृत कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिका का ये कदम ऐसे वक्त पर आया है जब रूस ने बेलारूस में अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा दिया है और ये चुनौती दी है कि अगर कोई अन्य देश इस युद्ध में कूदा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच वर्तमान में बेलारूस के गोमेल में बातचीत चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा था कि सरकार का इस बातचीत से लक्ष्य तत्काल युद्ध विराम और यूक्रेन से सभी रूसी बलों की वापसी है। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने वाली टीम को भी अलर्ट पर रख दिया है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर सरगेई शोइगु ने सोमवार दोपहर पुतिन को हमले के प्लान के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है। तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर कर दी गई हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के एक विधायक ने इंडियन मीडिया से बातचीत में कहा कि रूस की नियत पहले हमला करने की नहीं है, लेकिन अगर हम पर अटैक किया गया तो डिफेंस मोड के लिए हमने अपनी टीमों को अलर्ट पर रख दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।